हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर आज की बात करने वाले हम लोग यहाँ पर कॉग्निजेंट टीसीएस एंड एलएनटी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर आज की वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फिर अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। बता दो फिर आपको मेरे चैनल पर जो इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग एक बार मेरे चैनल पर जरूर विजिट करना। यहाँ पर आपको जो है फिर मेरे चैनल पर आपको जॉब अपडेट्स, आपको इस तरह के क्वेरीज अपडेट और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर वीडियोस आपको रेगुलर के बेसिस पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बता दो फिर आप में से काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आफ्टर फिलिंग दिस प्रोफाइल स्क्रीनिंग फॉर एन ओपन पोजीशन इन कॉग्निजेंट सर्वे मेल, आई डिडंट गेट एनी अपडेट आफ्टर दैट। बता दो फ्रेंड यहाँ पर जो है कॉग्निजेंट का अभी जो रिक्रूटमेंट जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई कर रखा था, मान लो आपने अप्लाई कर रखा था प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनिंग या फिर आपने एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई कर रखा था, ठीक है, एसोसिएट रोल के लिए अप्लाई कर रखा था, आपने जिस भी रोल के लिए अप्लाई कर रखा था, देखो अभी जो है कॉग्निजेंट अभी भी रिक्रूटमेंट कर रही है। तो वंस कॉग्निजेंट क्लोज द रिक्रूटमेंट देन ओनली दे विल स्टार्ट सेंडिंग द असेसमेंट लिंक, बिकॉज अभी रिक्रूटमेंट ऑन है, चालू है, तो अभी जो है कॉग्निजेंट अभी आप लोग को असेसमेंट लिंक नहीं सेंड करने वाली है। वंस द रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी क्लोज देन ओनली दे विल स्टार्ट सेंडिंग द एग्जाम लिंक। तो यहाँ पर दादो फ्रेंड यहाँ पर अभी आप लोग वेट करना है, क्योंकि जो जो लास्ट डेट अप्लाई करने का था कॉग्निजेंट का, चाहे वो आपका एसोसिएट रोल का हो या फिर आपको प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी रोल का हो, चाहे वो प्रोग्रामर ट्रेनी रोल का हो, चाहे वो एनालिस्ट ट्रेनी रोल का हो, तो जिस भी रोल के लिए आपने अप्लाई कर रखा था सभी में लास्ट डेट मेंशन नहीं किया हुआ था। तो अभी आप लोग फ्रेंड जो वेट कर सकते हो रिक्रूटमेंट का क्लोज होने का, तो जब भी कॉग्निजेंट स्टार्ट करेगी आप लोग को सेंड करना एग्जाम का लिंक, मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। फिलहाल अभी जो है इस मंथ में तो आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फिर आप लोग को अगस्त के मिड तक आप लोग को जो एग्जाम का लिंक देखने को आएगा, जब भी वो स्टार्ट करेगी मेल सेंड करना, मैं आप लोग को अपडेट करता रहूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिए होंगे, तो आप लोग एक बार बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना, मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। सेकेंड बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आ रही है, फिर बता दो फिर यहाँ पर जो है एलएनटी का ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट का सेकेंड फर्स्ट फेज का सॉरी फर्स्ट राउंड जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है, आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन एलएनटी ग्रेजुएट इंजीनियर ऑनलाइन ऑनलाइन असेसमेंट, वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोसेस एंड बेस्ट परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन असेसमेंट। यू आर हैव रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डिटेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन एलएनटी एडुटेक कैंपस पोर्टल टू इनिशिएट द नेक्स्ट फेज ऑफ योर प्रोसेस, आर मेन अ मेल इन दिस रिगार्ड बिंग ट्रिगर्ड टू यू, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को फ्रेंड जो है कुछ इस तरह का मेल देखने को आएगा, वेलकम टू द एल एन टी कैंपस रिक्वायरमेंट प्रोग्राम, और यहाँ ये फ्रेंड आपका सेकेंड फेज का सेकेंड राउंड का जो मेल आप लोग कुछ इस तरह का देखने को आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके एंड विल टी सी एस हायर थ्रू पेड एन क्यूटी एग्जाम। काफ़ी लोगों के मन में डाउट्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी पेड एन क्यूटी जुलाई में दिए हैं, काफ़ी लोगों ने आपका जून में दिया है। तो बता दो फ्रेंड टी सी एस जो है पेड एन क्यू टी से रिक्रूटमेंट करती है, बट एज कम्पेयर टू फ्री एन क्यू टी काफ़ी कम रिक्रूटमेंट होता है। अगर आप लोग मैंने आपने आपको पहले ही आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया था फ्रेंड कि पेड एन क्यू टी देने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि रिक्रूटमेंट काफ़ी कम होता है, ठीक है। मान लो कि 20,000 लोग पेड एन क्यू टी एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। इसमें से केवल आप लोग को मैं बता दूँ फ्रेंड कि ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि जो 20,000 है, 20,000 में से लगभग जो फ्रेंड लगभग 500 से 1,000 लोगों को ही, मुश्किल से बता रहा हूँ फ्रेंड, एग्जाम का लिंक लाइक आपका इंटरव्यू का मेल देखने को आता है, अदरवाइज नहीं देखने को आता है। क्यों पता है? देखो जो पेड एंड क्यूटी होता है उसमें टीसीएस के साथ साथ और भी बहुत सारे पार्टनर कंपनी रिक्रूटमेंट करती है, तो यहाँ पर आपको टीसीएस के ऊपर नहीं सोच सकते हो कि मैं पेड एंड क्यूटी दे रहा हूँ, मैं जो टीसीएस में रिक्रूटमेंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जो पेड एंड क्यूटी है उनके पोर्टल में मेंशन किया गया है, टीसीएस आई उनके पोर्टल पे, कि यहाँ पर आपको जो है मल्टीपल कंपनीज अप्लाई करने का मौका मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग उनके पोर्टल जो उनके करियर साइट है वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हो, बट ये उम्मीद ला कर रखना कि पेड एंड क्यूटी से टीसीएस हायरिंग करेगी ये बेकार होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा बट आप लोग देखो फ्रेंड काफ़ी कम होगा, क्योंकि अभी तक किसी को भी जो है पेड एंड क्यूटी की तरफ से इंटरव्यू का मेल देखने को नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है। When TCS paid and QT result will be out, बता दो फिर जिन लोगों ने एग्जाम दे रखा था, देखो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है लगभग आपका 15 से 20 दिन के अंदर में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। मतलब कि अब रिजल्ट डिक्लेयर होना मतलब क्या, मतलब कि आपका स्कोर कार्ड रिलीज हो जाना, उसके बाद TCS हायरिंग करेगी। सर करेगी बट नंबर इज वेरी लेस, ठीक है। तो इसमें आप लोग ना के बराबर मान सकते हो, 99% चांसेस है कि नहीं होगा रिक्रूटमेंट, 1% चांसेस है कि आपका होगा, ठीक है। वेस्ट ऑफ मनी है, मैं आपको पहले बता चुका था कि फ्री एन क्यू टी में ही आप लोग जाना, पेड एन क्यू टी पर मत ध्यान देना। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर वीडियो। कोई डाउट है आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।